कॉलेज में लॉ की पढ़ाई करने वाले प्रथम सेमेस्टर के छात्रों ने परीक्षा नहीं होने से परेशान होकर मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि 11 माह बीतने के बाद भी परीक्षा नहीं हुई, ऐसे में छात्र कॉलेज छोड़ने को मजबूर है। बता दें, छात्रों ने कुलपति के नाम कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और समस्या से अवगत कराया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि साल भर समय पर लेक्चर नहीं लगने से वो भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है और जल्द परीक्षा आयोजित की जाए। आप LLB क्यों छोड़ना चाहते हो? सर, एग्जाम टाइम पे नहीं हो पा रही है, 6 महीने से हम रुके हुए हैं, हमारी इस वजह से पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं। सर, प्रोफेसर भी लेक्चर नहीं दे पा रहे टाइम से। हाँ सर, अब मैं आपको कॉलेज छोड़ना। इससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, हमारा टाइम वेस्ट हुआ है और कुछ नहीं, अब आगे हम फ्यूचर के लिए और कोई पढ़ेंगे। अच्छा, क्या छात्र छात्राओं ने हमारी परीक्षाओं से अवगत कराते हुए जो हमारी परीक्षा समय के अनुसार नहीं हो पा रही है तो उस पर ज्ञापन दिया है कि आगे वो हमारी परीक्षा जल्दी से जल्दी। तो कौन से सेमेस्टर के आपके एग्जाम नहीं हो पा रही अभी? हमारे प्रथम सेमेस्टर जो कि हमने अगस्त में एडमिशन लिया था 2021-17 में, तो अभी तक एग्जाम नहीं हो पा रही है। वापस 11 महीने लगभग होने में आ गए हैं, तो जिससे हमारी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी में हमें